बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। 1000 सरकारी पदों पर सरकार भर्ती करने की तैयारियों में जुट गई है। लोक सेवा आयोग से सरकार ने मांग की है। सीएम ने खाली पदों के बारे में जानकारी ली थी और ये माना जा रहा है कि जल्द इस पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा में 149 पद खाली हैं। ये माना जा रहा है कि इन्हें जल्द भरा जाएगा। राज्य अवर अधीनस्थ सेवा में 270 पद खाली हैं। इसके अलावा राज्य सहायक अभियंता की अगर बात की जाए तो अब तक इसमें 47 पद खाली हैं जिन्हें जल्द भरा जाएगा। वहीं कनिष्ठ अभियंता सेवा के 416 पद खाली। पंकज राणा हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। पंकज, जो जल्द शुरू होगी इसमें प्रक्रिया, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, क्या जानकारी? पंकज से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो दिवाली से पहले बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, 1000 सरकारी पदों पर भर्ती करने की तैयारियां शुरू हो गई है। लोक सेवा आयोग से सरकार ने ये मांग की है। सीएम ने खाली पदों के बारे में जानकारी ली थी, यानी कि अब जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू। राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा में 149 पद खाली। इसके अलावा राज्य अवर अधीनस्थ सेवा में 270 पद खाली है। राज्य सहायक अभियंताओं की अगर बात की जाए तो 47 पद यहाँ पर खाली है। कनिष्ठ अभियंता सेवा के 416 पद खाली है जिन्हें जल्द भरेगी सरकार। तो निश्चित तौर पर बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर, दिवाली से पहले ये तोहफा बेरोजगार लोगों को मिलेगा सरकार की तरफ से। जो पद खाली चल रहे हैं, 1000 पद खाली चल रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरेगी सरकार। पंकज हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। पंकज, दिवाली से पहले ये तोहफा यहाँ के नौजवानों को मिल सकता है, क्या अपडेट है? देखिए, राज्य सरकार ने जो 1000 पद हैं उत्तराखंड में खाली पड़े हुए हैं उनको लेकर कवायद तेज कर दी है। कल मुख्यमंत्री ने देर शाम कार्मिक विभाग की बैठक की थी और कार्मिक विभाग से जानकारी ली थी कि प्रदेश भर में कितने पद खाली हैं। हालांकि इसमें 15 से 16 हजार पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन पहले दौर में सरकार 1000 पदों पर भर्ती करने की सोच रही है। उसके लिए सरकार ने जो लोक सेवा आयोग है उत्तराखंड का, उसको डिमांड भेजी है कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। तो संभवतः माना जा रहा है कि जल्द ही 1 या 2 महीने के भीतर इसमें लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसमें देखा जाए तो सिविल राज्य परीक्षा के 150 पद इसमें खाली है। इसके साथ साथ ही अपर अधीनस्थ सेवा के 270 पद खाली पड़े हुए हैं। कनिष्ठ सेवा के 416 पद खाली हुए हैं। इन सबको मिलाकर तकरीबन 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे जो बेरोजगार उत्तराखंड के युवा है उनको रोजगार मिलने की उम्मीद दी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए आपका। तो बेरोजगारों के लिए एक अच्छी पहल, एक अच्छी खबर, सरकार के द्वारा जल्द जो भर्ती प्रक्रिया वो शुरू होगी। राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा में 149 पद खाली है। राज्य अवर अधीनस्थ की बात की जाए तो यहाँ पर 270 पद खाली। राज्य सहायक अभियंता के कई विभागों में 47 पद खाली है जिन्हें जल्द भरेगी राज्य सरकार। उधर सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारियों में है त्रिवेंद्र सरकार, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। दिवाली का बोनस देने की तैयारी में त्रिवेंद्र सरकार है। वित्त विभाग इसको लेकर एक प्रस्ताव भी तैयार कर चुका है। लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों को बोनस का फायदा मिलेगा। राजकोष पर 1.5 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली में बोनस देने की तैयारी में है त्रिवेंद्र सरकार। वित्त विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर चुका है। लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों को ये बोनस मिलेगा। तो सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारियों में है त्रिवेंद्र सरकार। दिवाली का बोनस देने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है और वित्त विभाग इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर चुका है। लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राजकोष पर 1.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रभार सरकार के ऊपर पड़ेगा। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, इसको लेकर वित्त विभाग प्रस्ताव भी तैयार कर चुका है। दिवाली पर राज्य कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। सरकार राज्य कर्मचारियों को बोनस देगी।
बहुत अच्छी खबर। सरकारी के लिए लगभग पौने 2 लाख कर्मचारियों को इस बोनस का फायदा मिलेगा। राजकोष पर 1.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा।